हेलो दोस्तों, तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ WWE के नेक्स्ट पेपरी जिसके लिए बहुत कम टाइम रह गया है, क्राउन ज्वेल की लास्ट मिनट बैटिंग ऑड्स के बारे में। क्या है लास्ट मिनट प्रेडिक्शंस, कौन से मैच में हमें कौन सा विनर देखने को मिलेगा, क्या कुछ हाइलाइट्स रहने वाली हैं, और गाइज कुछ मैचेस में मैं अपनी प्रेडिक्शन भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके ही लाइक से। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किक ऑफ शो के मैच के बारे में, जो कि एक टैग टीम मैच है। यहाँ पर उसोस फेस करेंगे सेड्रिक अलेक्जेंडर और सेंट्रल बेंजामिन को, और वैसे ये तो कोई टाइटल मैच नहीं है। और इस मैच की प्रेडिक्शन तो आपको पता ही होगा भाई, उसोस की फेवरेट में जाएगी और यहाँ पर उसोस जीतने वाले हैं इस मैच में। अब बात करते हैं क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के फाइनल के बारे में, जो कि होने वाला है डॉ ड्रॉप वर्सेस जेलिना वेगा के बीच में। तो एक रॉ के सुपरस्टार हैं, एक स्मैकडाउन की, तो मैच तो हमें उम्मीद है कि अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जेलिना वेगा को वैसे तो स्ट्रॉन्ग दिखाती है WWE, पर डॉ ड्रॉप फिजिक के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बैटिंग ऑड्स बताएं तो बैटिंग ऑड्स डॉ ड्रॉप को ही फेवरेट बता रहे हैं, और क्वींस क्राउन बनने वाली हैं फर्स्ट एवर डॉ ड्रॉप। नेक्स्ट मैच एक सिंगल्स मैच है, एक नॉन टाइटल मैच, मंसूर अली वर्सेस मुस्तफ़ा अली, दोनों ही अली हैं। और मंसूर अली भाई, अगर क्राउन ज्वेल का पेपर ही हो मंसूर अली रेसल ना करे ऐसा हो नहीं सकता, और क्राउन ज्वेल का पेपर ही मंसूर अली हार जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो बैटिंग ऑर्स मंसूर अली को ही फेवरेट बता रहे हैं। नेक्स्ट मैच है यहाँ पर किंग ऑफ द रिंग का फाइनल, जेवियर वुड्स वर्सेस फिन बैलर। तो यहाँ पर बैटिंग ऑर्स सुन के आप चौंक जाएंगे थोड़ा, क्योंकि आपको तो उम्मीद होगी भाई फिन बैलर ही जीतेंगे। फिन बैलर भाई इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जेवियर वुड्स उनको हरा नहीं पाएंगे। तो गाइस बैटिंग ऑड्स यहाँ पर जेवियर वुड्स को फेवरेट बता रहे हैं, भले ही बहुत कम डिफरेंस हो। और मैं यहाँ पर अपनी प्रेडिक्शन बताऊँ तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है भाई जेवियर वुड्स इस बार किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतेंगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में ही ऐसे रूमर्स आए थे कि जेवियर वुड्स अपने करियर में एक बार किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। तो वो शायद मोमेंट आ चुका है और जेवियर वुड्स इस बार ले जाएंगे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल। इसके बाद जो मैच है वो है टैग टीम मैच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, एजी स्टाइल्स एंड ओमोस वर्सेस मैट टेलर और रैंडी ऑर्टन। मैट टेलर और रैंडी ऑर्टन यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं, और यहाँ पर बैटिंग ऑर्ड्स फेवरेट बता रहे हैं टाइटल रिटेन को, यानी कि मैट टेलर और रैंडी ऑर्टन अपने टाइटल सक्सेसफुल रिटेन कर लेंगे। नेक्स्ट मैच भी एक नॉन टाइटल मैच है, बॉबी लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग। पिछले टाइम ये समरस्लैम में इनकी भिड़ंत हुई थी, वो भी टाइटल मैच के लिए, पर वो मैच की फेयर एंडिंग नहीं हुई थी। इस मैच में बॉबी लैशली जीते थे, पर गोल्डबर्ग यहाँ पर बदला लेने आए हैं बॉबी लैशली से, उनका और उनके बेटे का। तो यहाँ पर अब भाई ये मैच में हमें उम्मीद है कि अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा, पर WWE जो कि है सऊदी अरेबिया के पेपर में हमेशा फैंस को पागल बनाती है। जिस मैच से उम्मीद होती है वो मैच हमें बढ़िया क्वालिटी और ज़्यादा लंबा देखने को नहीं मिलता है, और ख़ासकर गोल्डबर्ग के मैचेस वो हमें सिर्फ 2-3 मिनट के देखने को मिलते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? और वैसे बात करें बैटिंग ऑड्स की, तो बैटिंग ऑड्स यहाँ पर किसे फेवरेट बता रहे हैं, वो फेवरेट बता रहे हैं गोल्डबर्ग को, और गाइज अच्छा खासा डिफरेंस है गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के बैटिंग ऑड्स के नंबर्स में। नेक्स्ट मैच है यहाँ पर फीमेल डिवीजन से ट्रिपल थ्रेट मैच, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बैकी लिंच वर्सेस सासा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर, और बैटिंग ऑड्स यहाँ पर फेवरेट बता रहे हैं बैकी लिंच को, और दोनों ही सुपरस्टार्स हैं अंडरडॉग। नेक्स्ट मैच एक टाइटल मैच है बिगी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में। यहाँ पर बिगी अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं, और सब फैंस को पता ही होगा कि बैटिंग ऑड्स क्या बोलेंगे, और बैटिंग ऑड्स भी बिगी को फेवरेट बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, दोनों ही सुपरस्टार्स के नंबर में, और यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर है अंडरडॉग। नेक्स्ट मैच है एक नॉन टाइटल मैच और एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल मैच है, और सऊदी अरेबिया के पेपर में एक ना एक मैच तो हेल इन अ सेल होता है, तो ये वही मैच है। और इस मैच से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि बहुत ज़्यादा हमें एक्शन देखने को मिलेगा, एक हाई रेटेड मैच होने वाला है। यही मैच डिसाइड करेगा कि आखिर दोनों में सुपरस्टार कौन अपर हैंड ले जाता है। और वैसे बैटिंग ऑड्स तो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं एज को कि एज जीतेंगे, सेथ रॉलिंस हारेंगे। पर यहाँ पर अगर सेथ रॉलिंस हार जाते हैं तो भाई सेथ रॉलिंस के करियर को एक बड़ा शॉक लगेगा, क्योंकि अभी तक सेथ रॉलिंस बहुत लंबे टाइम से कोई टाइटल पिक्चर में नहीं आए, और यहाँ पर अगर सेथ रॉलिंस हार जाते हैं अपना पोटेंशियल खो देते हैं तो आगे वो किसी टाइटल पिक्चर में जल्दी नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पर एज का भी जीतना बनता है, क्योंकि एज यहाँ पर एक तो फेस हैं, और एज रोमन रिंग से हारने के बाद एज को भी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो दिखाना ही पड़ेगा फैंस को। तो मेरी प्रेडिक्शन भी यहाँ पर एज के साथ ही जाने वाली है। नेक्स्ट लास्ट मैच है गाइस रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, और इस मैच पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है भाई कौन जीतेगा यहाँ पर, किसके सबसे ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं। तो बैटिंग ऑड्स मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, बैटिंग ऑड्स फेवरेट बता रहे हैं यहाँ पर रोमन रिंग्स को। कुछ खास ज़्यादा नंबर्स में डिफरेंट तो नहीं है, पर जो भी है यही है।
पर इस मैच में हमें जरूर कुछ ना कुछ शॉकिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि WWE एडवर्टाइज कर रही है, जैसे WWE इस फ्यूड को रख रही है, तो कुछ ना कुछ हमें शॉकिंग देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर रोमन रेंस ही जीतेंगे, क्योंकि हमें कुछ टाइम तक और रोमन रेंस की टाइटल रिंग देखने को मिलेगी। और गाइस, जैसे कि आपको पता है, जो क्राउन ज्वेल में जो भी चैंपियन रहेगा क्राउन ज्वेल के बाद सर्वाइवर सीरीज में, वो जरूर मैच रेसल करेगा अपोजिट ब्रांड के चैंपियन से। तो भाई, क्राउन ज्वेल डिपेंड करता है नेक्स्ट एक मंथ की फ्यूड हमें किस तरह से देखने को मिलेगी, एक मंथ की स्टोरी किस तरह से होगी WWE में। बाकी गाइस, जरा आप जरूर कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट मैच कौन सा है, और उस मैच की पर्सनल प्रेडिक्शन भी कमेंट बॉक्स में डाल देना यार, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, अपना चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल की जरूर ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई ख्याल जरूर रखें अपना।